हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अब मुझे पता है आप सब कहोगे इस बार कि ब्लॉग आ नहीं रहे हैं, ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, बट मैं भी कुछ ऐसा काम में भी उलझा हुआ था। जैसा कि अभी आपको पता ही, मैंने प्लस टू कंप्लीट करी है, तो प्लस टू कंप्लीट करने के बाद अभी क्या हुआ है, लगना है तो अब कॉलेज लगना है, तो एडमिशन लेनी थी। अब एडमिशन के चक्कर में मैं इतना ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़ था, क्योंकि उन्हें बहुत सारे सर्टिफिकेट्स चाहिए थे और वो सर्टिफिकेट्स तो मेरे पास अवेलेबल ही नहीं थे, और मुझे वो हर एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ा, तो मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा ही जाना पड़ा बाहर। तो मतलब कहीं ना कहीं पे मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी था, मतलब मेरे को व्लॉगिंग करने का टाइम लगता था। भाई जब मैं कॉलेज जाता होता था, वहाँ से काम करके आता था कि हाँ सर्टिफिकेट्स का काम, एडमिशन्स का वर्क, तो उसके बाद फिर नहीं, मन ही नहीं करता था व्लॉग करने का, बहुत ज़्यादा औखा हो जाता था। तो बाकी चलो कोई बात नहीं है, व्लॉग औखा हो रहा था, बट आज मैं भी आज जा रहा था, फिलहाल शॉपिंग करने जानी है कहीं पे, डी मार्ट जाना है आज हमने, जो जलंधर के होंगे उनको पता है गुरु नानक मिशन चौक है, उसके पास ही में डी मार्ट है, तो आज हमें वहाँ जाना है। मतलब फ्रेंड ने सामान लेना था, तो फ्रेंड का कॉल आया, तो उसने कहा कि निहाल भाई अगर तू चल रहा है तो ठीक है, तो तू भी चल पड़ साथ ही में, हम भी, मैंने भी जाना ही है। तो वो फ्रेंड भी जा रहा है, उस फ्रेंड को मैंने घर से अभी पिक कर लिया है, तो अब चलते हैं बाकी, और आपको डी मार्ट वगैरह पूरा एक्सप्लोर करेंगे। जो अभी तक नहीं गए हैं, जो फर्स्ट टाइम विजिट करने वाले हैं, उनको बताएंगे कि अंदर कैसा है। और अभी हम ना डी मार्ट, अभी हमारे ना दूसरी साइड पड़ता है, जैसे नॉर्थ में है अभी, तो साउथ की तरफ पड़ रहा है ऐसा है। तो उसके लिए अभी बात क्या है कि हमें यहाँ से जाना क्यों है, यहाँ से भी एक रीज़न है, हमें रास्ते में एक छोटा सा काम है वो निपटाते हुए जाना है। अगर वो काम नहीं किया तो हमारे घर वाले, तो मुझे मेरे घर वाले नहीं छोड़ेंगे वो काम अगर मैंने ना किया तो, क्योंकि मम्मी को मैंने वही काम का मेन बहाना लगाया हुआ है कि हाँ हमें जाना है, और उसी बहाने मैंने कह दिया कि मम्मी मतलब फ्रेंड जा रहा है डी मार्ट तो मैं भी चला जाऊँ, तो मम्मी कहते चल ठीक है, अगर तूने वहाँ तक काम है ये तू जा ही रहा है तो डी मार्ट भी हो लेना साथ में, और फिर थोड़ा बहुत सामान था घर का तो वो लेना है हमने डी मार्ट से, तो मम्मी भी कहते कि तू अगर जा ही रहा है तो ले आ। ये ओल्ड वाली विटारा प्रेजा है, जो न्यू है वो तो विटारा प्रेजा लगती ही नहीं है, वो तो बिल्कुल ही मतलब रेंज की कॉपी बना दी गई है, बट जो मर्जी का हो न्यू वाली ब्रेजा एकदम मतलब A1 है वो। एक और बात सच मैं आपको बताता हूँ, अभी अपनी बाइक के बारे में बात क्या हुई थी कि हमारी बाइक में ना, अभी मैं एक दिन शाम को जस्ट घर के थोड़ा सा दूर ही गया था गेड़ी मारने, फ्रेंड को साथ लेकर गया, मैं दूध लेने के बहाने से गया था घर से मम्मी को कह के, तो मैं ना थोड़ा दूर चला गया था, तो बाइक के पता नहीं क्या हुआ, पिछली ब्रेक का जो कैलिपर है ना वो पूरा खुल ही गया था, वो पिछला टायर ही उसने बिल्कुल जाम कर दिया था, अब उसने बिल्कुल टायर जाम कर दिया, वो टायर हिल ही नहीं रहा था अपनी जगह से, तो मैंने उसको बड़ी कोशिश करी नहीं हुआ, तो वो फ्रेंड का घर था पास में, तो मैंने उससे क्या किया कि मतलब उससे ना मैंने टूल्स वगैरह लिए और मैंने ना बाइक का पूरा प्रेशर ही खोल दिया, पिछले ब्रेक पैड्स ही निकाल दिए, तो उससे फ़िलहाल कोई हार्म तो नहीं हुआ, बट उसकी वजह से ना हमने प्रेशर को जैसे निकाला, तो उसके बाद जब मैं मैकेनिक के पास लेकर गया ना, तो उसने मतलब मुझे बताया कि हमारी बाइक का मास्टर सिलेंडर ख़राब हो गया, तो फिर हमें मास्टर सिलेंडर लमसम चेंज करवाना पड़ा, तो चलो कोई बात नहीं, मास्टर सिलेंडर चेंज करवाना पड़ा, करवाना भी था, वो पहले वाला भी ना थोड़ा ख़राब हो गया था, वो पंप नहीं कर रहा था। तो बाकी अभी फ़िलहाल चौक पे रुके हुए हैं, और R15 version 3 ये भी हमारे पास था एक टाइम पे, मतलब ब्रदर का था, तब मैं व्लॉगिंग तो नहीं करता था, बट अब हम व्लॉगिंग पे आए हैं, तो अब R15 नहीं है क्योंकि अभी फ़िलहाल ब्रदर ही यहाँ पर नहीं है जलंधर में इस टाइम। और आप कह रहे हो ये ग्लव्स कहाँ से आ गए हैं, तो ये ग्लव्स की ये बात है कि ये ग्लव्स मैंने न्यू परचेस किए हैं अभी थोड़ा टाइम में, मैंने कल परसों ही अभी जस्ट परचेस किए हैं, पुराने वाले ग्लव्स का जैसे आपको बताया था कि एक ग्लव गिर गया था और लास्ट टाइम वो एक्सीडेंट के टाइम पर मेरे थोड़े फट भी गए थे। ये भी जैसे चौक पे हम खड़े होते हैं और उसके बाद जैसे एकदम ग्रीन लाइट होती है जो हम एकदम पुश करके निकालते हैं, उसमें एक नंबर मज़ा आ जाता है, मतलब कि उसमें इतना मज़ा आता है ना ऐसे खींचने, मतलब पूरे चौक पे जितने लोग खड़े होते हैं साइड की लाइट्स पे, उनका सबका ध्यान, पूरा ध्यान ही हमारे ऊपर होता है कि हाँ मतलब ये लड़के जा रहे हैं, मतलब एकदम से स्पोर्ट्स बाइक खींचो ना कुछ अलग सा ही फील आ जाता है, तो मतलब बड़ा अच्छा लगता है कि लोगों में टेंशन आ जाती है कि हाँ एक बंदा यहाँ से KTM लेके जा रहा है ऐसा कुछ। और अब आ गए हैं फिलहाल BMC चौक, अब हमें यहाँ से लेफ्ट टर्न हो जाना है, तो चलते हैं फिलहाल। तो फाइनली पहुँच गए अभी डी मार्ट, और पार्किंग फिलहाल पीछे है, तो फिलहाल अभी हमें पीछे जाना है, पार्किंग पे लगानी है बाइक, क्योंकि यहाँ पर तो फिलहाल अभी मैं लगाऊंगा नहीं बाइक को, क्योंकि एक तो स्पोर्ट्स बाइक है और यहाँ पर लोगों का वैसे भी बहुत ही ज़्यादा
क्रेज है कि मतलब लोग सुपर बाइक को देख के पता नहीं क्यों उसे छेड़ने लग जाते हैं। चलो ये सुपर बाइक तो नहीं है बट हमारे लिए यही सुपर बाइक है। क्या ही जबरदस्त पार्किंग है। 2000 years later. चलते हैं, पहले बाइक भी वार्निंग दे रही है लो फ्यूल का, तो पहले फ्यूल वगैरह भरवाते हैं एंड देन उसके बाद कुछ अगर खाने पीने का प्लान। खाने पीने का प्लान तो नहीं है लमसम अभी। और एक बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहे हैं आजकल, आपने देखा होगा कि आजकल एक कपल हैं, पंजाबी कपल्स हैं जो कि आजकल अभी बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। इस टाइम पे YouTube पर भी अभी देखा है मैंने, वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। तो चलते हैं यहाँ से, यहीं पर कहीं पर है तो मुझे पता तो नहीं है अभी उनका पक्का, और मेरा आने का प्लान है तो चलते हैं यहाँ पर, देखते चलते हैं कि वो कहाँ पर है। मुझे कुछ ऐसा पता है कि फ्रेश बाइट्स करके है शायद से उसका नाम, तो चलते हैं देखते हैं। फिलहाल मुझे पता तो नहीं है वैसे कहाँ पर है, होना यहीं कहीं चाहिए। नियर लवली स्वीट्स है और जो लोग जलंधर से हैं उनको फिलहाल पता है कि यहाँ पर है वो कपल्स हैं जो, मुझे ये नहीं पता वो कहाँ पर है। मैं आज आया भी यहाँ पर, अभी जब से मतलब मुझे उन कपल्स के बारे में पता लगा ना तब से मैं यहाँ पर आज आया हूँ, नहीं तो मैं आया ही नहीं हूँ। बीच में एक टाइम पे हमारा प्लान था यहाँ पर आने का, पर वो जिस फ्रेंड के साथ मैंने आना था व्लॉग शूट करने, बट वो किसी कारण से नहीं आ सका, उसने आउट ऑफ स्टेशन से आना था तो आ नहीं सके। तो अब चलो अब आ जाए हैं, अभी मैं सोच रहा हूँ कि देखते तो जाते ही हैं कि वो कहाँ पर है।